जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है भवि और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों, मोबाइल हमारी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन चुका है और इस मोबाइल को चलाता है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम। आज मैं आपसे उसी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करने वाला हूँ। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैंने अभी MI के फोन्स में आने वाली एक प्रॉब्लम जो कि सॉफ्टवेयर अपडेट से जुड़ी है, गूगल Gboard कीप स्टॉपिंग, उसके बारे में भी बताया है और आप उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसका भी मैंने जिक्र किया है। दुनिया के अधिकतर फोन या तो गूगल के एंड्रॉयड पर चल रहे हैं या फिर एप्पल के iOS पर चल रहे हैं। एप्पल के जितने भी डिवाइस हैं उनमें ऑपरेटिंग सिस्टम iOS है और बाकी एंड्रॉयड फोन्स तो आपको पता ही है। इन दो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अलावा भी कुछ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है बट उनका टोटल परसेंटेज शायद 1 या 2% ही होगा। अधिकतर फोन कहने का मतलब यह है कि या तो iOS पर हैं या फिर एंड्रॉयड पर हैं। यहां पर एक और चीज आपको ध्यान में रखनी होगी कि एंड्रॉयड का बेस वर्जन बहुत ही कम कंपनी यूज करती हैं। अधिकतर कंपनीज जो भी फोन बनाती हैं वो अपनी एक लेयर यानी कि अपनी एक ब्रांडिंग एंड्रॉयड के वर्जन पर कर देती हैं और उसको अपना नाम दे देती हैं, जैसे कि MIUI MI के फोन्स में या फिर ऑक्सीजन OS जो कि OnePlus का ऑपरेटिंग सिस्टम है। इन दोनों के ही पीछे गूगल का एंड्रॉयड ही है। यहां पर बस कंपनीज ने कुछ अपने एड ऑन फीचर्स डाल दिए हैं। ये दोनों ही कंपनियां यानी कि एप्पल और गूगल अपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का लेटेस्ट वर्जन हर साल लॉन्च करती हैं। उसके पीछे मकसद होता है आपके फोन में नए नए फीचर्स को लाना और आपके फोन के यूज करने को एक्सपीरियंस को स्मूथ बनाना। इन ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च करने से पहले कंपनी इनकी अच्छे से टेस्टिंग करती है, जिसे बीटा टेस्टिंग का नाम दिया जाता है। इस बीटा टेस्टिंग में कुछ कंपनी के एम्प्लॉयज भी होते हैं और रियल यूजर्स भी होते हैं, लेकिन फिर भी जब ये ऑपरेटिंग सिस्टम आम जनता के लिए यानी सभी के लिए अवेलेबल होता है या यूं कहिए इसका ऑफिशियल रिलीज हो जाता है सबके लिए, तो इसमें कुछ कमियां फिर भी रह जाती हैं, कुछ कमियां छूट जाती हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि आप चाहे एप्पल यूज कर रहे हो या एंड्रॉयड यूज कर रहे हो, जैसे ही कोई मार्केट में नया इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का नया वर्जन आए आप तुरंत उसे अपडेट मत करिए। आपको 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते तक रुकना चाहिए, तब तक उस ऑपरेटिंग सिस्टम की जो भी कमियां हैं वो हाईलाइट हो जाती हैं, यानी कि कंपनी को उनके बारे में यूजर से पता चल जाता है और कंपनी फिर उनका फिक्स निकाल देती है। ऐसी ही एक कमी और परेशानी आजकल Xiaomi के यूजर्स झेल रहे हैं जो कि 16 दिसंबर के करीब से आनी शुरू हुई है, जहां पर अधिकतर यूजर्स को Gboard कीप स्टॉपिंग नाम का एरर उनकी स्क्रीन पर मिलता है। ये एरर एक्चुअल में Gboard की ऐप में है। यहां पर इस एरर को सॉल्व करने का क्या तरीका है ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए दोस्तों 2 से 3 तरीके हैं, आप उनमें से किसी भी तरीके को अपना सकते हैं। पहले तरीके में आपको अपने फोन की सेटिंग्स में जाकर, ऐप सेटिंग्स में जाकर उस ऐप की कैशे क्लियर करनी होगी और उसको फोर्स स्टॉप करना होगा। इसके बाद भी अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो दूसरा तरीका यह है कि आपको ये चेक करना है कि आपके फोन में ये ऐप अपडेटेड है या नहीं। अगर ये फोन अपडेटेड नहीं है आपके लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से तो आप इसे जाकर अपडेट करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। अगर आपकी परेशानी गूगल ऐप को अपडेट करने के बाद भी और इसकी कैश क्लियर करने के बाद भी सॉल्व नहीं हो रही है तो इसका तीसरा और आखिरी तरीका है Gboard को अनइंस्टॉल करना। जी हाँ दोस्तों, आप इसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं और घबराइए नहीं, मैं आपको बताऊंगा आप किस तरीके से बिना Gboard के भी गूगल प्ले स्टोर में जाकर इस ऐप को दोबारा डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ये तीसरा तरीका आपको तभी अपनाना है जब आपकी ऐप अपडेट होने के बाद भी Gboard कीप स्टॉपिंग का एरर आपको आता है। जब आप अपने फोन से Gboard को अनइंस्टॉल करेंगे तो आपको गूगल प्ले स्टोर में जाकर वॉइस सर्च के माध्यम से डाउनलोड Gboard कहना है और आपको Gboard दिखने लगेगा और वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद ये आपका एरर चला जाएगा, आपको फिर से एरर नहीं आएगा। तो दोस्तों, ये था बस आज के वीडियो में ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जो मैं आपको बताना चाहता था। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।